देखा, तुम्हारी भतीजी का चक्कर चल रहा है, तभी तुम्हारे अब्बा ने फटाफट निकाह का हुक्म दे दिया। खुदा का वास्ता है मुदस्सर, वो किसी को पसंद करती है। वाह 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 वाह, किसी को पसंद करती है क्या? तुमने दरिया को कूजे में बंद किया है। असल बात यह नहीं है, असल बात यह है कि सुरैया का किसी गैर महरम लड़के से चक्कर चल रहा था। तुम्हारे अब्बा को जब पता लगा तो उन्होंने हमारी पतली गर्दन पे छुरी चला दी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कि जल्दी से निकाह कर दो और काम को पक्का कर दो। आपसे आज तक मैं किसी बहस में जीत सकी, अब क्या करना है? रिश्ते से इनकार करना है? नहीं, इतने भी बदले आज लोग नहीं हैं हम। अरे, दूसरों की माँ बहनों की इज्जतें सांझी होती हैं। तुम्हारे अब्बा ने निकाह का कहा है, निकाह तो होगा, तैयारी कर लो तुम। पर हामिद आ रहा है 8 बजे की ट्रेन से, मुझे उसे लेने जाना है। तो यानी आपको कोई एतराज नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा, उनका हुक्म सर आंखों पर। अगर कल जो मैं शर्त रखूंगा ना, वो उनको माननी पड़ेगी, तब हिसाब बराबर होगा। कौन सी शर्त है? अरे वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम बस तैयारी करो, मैं मिठाई का ऑर्डर दे आता हूँ। अच्छा, वो घर में कोई सोने की चीज है? सोने की चीज वो रख लेना, इतनी जल्दी में यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। मैं निकल रहा हूं, दुकानें बंद हो जाएंगी। सबको बुलाने का मकसद यह है कि कल हामिद सुरैया का निकाह है, और जितना जल्दी हो जाए बेहतर है, इसलिए तुम सबको बताना जरूरी था। एक बार सुरैया से तो बात कर लें, उसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। कनीस फातिमा, खामोश हो। तुम सबको बुलाने का मकसद ये था कि कल घर में कोई बदमजगी ना हो, घर की इज्जत का सवाल है। दाऊद, कनीस फातिमा को इस घर के रस्म रवाज समझा दो। सुरैया ने जो हरकत की, उसकी वजह से जरूरी है कि उसका जल्द से जल्द निकाह कर दिया जाए। दादा जान, आप एक बार तो उस लड़की से मिल लें। उससे मिले बगैर आप सुरैया की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि वो लड़का हामिद से ज्यादा बेहतर हो। बेहतर हो? उस शख्स ने मेरे घर की इज्जत को बरगलाया, कैसे बेहतर हो सकता है? इसीलिए कहता था कि लड़कियों को हद से ज्यादा तालीम मत दो कि वो अपना आप भूल जाए। जी, उतनी तालीम दो कि वो आपके गलत फैसले के सामने सर झुका दे। दादा जान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कम तालीम से आप लड़कियों की सोच को कंट्रोल कर सकते हैं? दिमाग सोचना नहीं बंद कर सकता। पहले आपने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, और अब वही सब कुछ आप अंकल बिशारत की बेटी के साथ करने जा रहे हैं। बिशारत की बेटी पोती है मेरी,